नमस्कार जी। आप यहाँ जाओ इधर पीछे। कचहरी हूँ मैं नहीं, यही खड़ा हूँ। एक मिनट भैया, सब क्यों पकड़ रहे रोड पर? आप हटा डालो भाई, हटा डालो। जनपद शामली में इस सरकार ने बिना शामली निवासियों की जानकारी के, बिना वहां के अधिकारियों की जानकारी के एक 2031 शामली अमृत महायोजना लागू कर दी, जो जनहित में नहीं है, ना शासन हित में है। जो आवश्यकता थी महायोजना की, उसकी अपूर्ति किए बिना उन्होंने वो नक्शा बना दिया, और वो नक्शा भी ऐसा बनाया कि उसे ना अधिकारी समझ पा रहे, ना आम जन समझ पा रहे। और जनपद शामली के 42 गांव उससे प्रभावित हैं, उनके अधिकारों को बंधित कर दिया इस योजना के तहत। मुख्यतः नगर शामली और शामली के आसपास के 5-6 गांव, संभालका, खेड़ी, मुंडेट, गोहरनी, इनको उन्होंने बधेवी की पूरी भूमि प्रतिबंधित कर दी कि उसमें किसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग उसके खिलाफ़ आए हैं कि हम योजना के तो समर्थक हैं, लेकिन वो योजना विधिवत होनी चाहिए। योजना में त्रुटियां क्या हैं कि जहां 1930 से बने हुए हैं इंटर कॉलेज, वहां दिखा दिए सामुदायिक केंद्र, जहां 20 साल से है मार्केट, वर्मा मार्केट, वहां दिखा दिया आवासीय, और जहां 1988 से आवास बने हुए हैं वहां दिखा दिया बस अड्डा। इस तरह पूरी शामली, इधर सिंभाड़ का गाँव में जहाँ आवासीय है वहाँ दिखा दी हरी पट्टी। तो अनियमितताएँ हैं इसमें। हम ज्ञापन देने आए चूँकि हमारे जो DM मुजफ्फरनगर हैं, ये हमारे प्राधिकरण के भी वो भी हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आना पड़ा। हमने प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दिया है। क्या कारण मानते हैं इस तरह की, आप बता रहे हैं कि योजना ये जो चल, हाँ अंधेर गति नहीं है, जो चल रहा है देश में, कहीं रेल बेच रहे, कहीं गेल बेच रहे, ऐसा ही प्रॉपर्टी डीलरों के मिली भगत से शामली की भूमि को इस तरह बंधक करके वहाँ के किसानों की कीमत घटा के बड़े बड़े उद्योगपति कम रेट पर ले लेंगे, फिर योजना में तब बदलाव कर लेंगे, किसान लूट जाएगा और उद्योगपति मालोमाल हो जाएंगे। मतलब जिस किसानों ने लाखों वर्षों से भूमि को कृषि योग्य बनाया था, आज उन्हें उसके उपयोग का अधिकार छीन रहे हैं ये लोग। कहीं कमर्शियल कर दिया कि वहाँ खेती नहीं कर सकते, कहीं आवास नहीं बना सकते, खेती करनी पड़ेगी, मतलब हमारे अधिकार सील कर दिए। अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो कोई हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, बदलाव तो होके रहेगा। ये पूरी जनपद शामली के अस्तित्व का मामला है। कहाँ जाएंगे यहाँ के किसान? हो जाएंगे बेरोजगार, भूखे मरेंगे। तो हम लोग तो अपने इसे अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे। योजना तो इन्हें समाप्त करनी पड़ेगी, दोबारा बना लो। राजस्व की हानि होगी सरकार को, हमारे बैनामे होने बंद हो गए, हमारे हाउस टैक्स बंद हो जाएगा, नक्शे बनने बंद हो गए, प्राधिकरण को भी अब शुल्क नहीं मिलने का, लोग वहाँ नक्शे पास नहीं कराने के, यहाँ नक्शा पास हो गया, भूमि प्रतिबंधित है, कल टूट जाएगी। तो बहुत बड़ी हानि है, जन हानि है इसमें, राष्ट्र की भी हानि है। ये भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके बैनर पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, व्यक्तिगत ज्ञापन भी दिए हैं। भाई दीपक जी हैं हमारे, ये इनकी भूमि जारी ने ज्ञापन दिया अपना, भैंसवाल गाँव से हैं विवेक जी हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया अपना, बहुत ज्ञापन दिए हम लोगों ने, और इसमें हम लड़ेंगे और जीतेंगे।